तो उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी के रजत जयंती फंक्शन से ठीक पहले पार्टी से निकाल दिया जाए। सर एक सवाल है, बस ठीक है, और सर इससे एक ज्यादा चीज है, नहीं। टिकटॉक का वितरण आपने लिखा है कि मनमाने ढंग से किया जा रहा है, ये टिकटॉक का वितरण कौन कर रहा है मनमाने ढंग से? तुम आप नहीं जानते टिकटॉक का वितरण कौन कर रहा है? बिल्कुल स्पष्ट नहीं है नहीं भाई है कि नहीं ठीक साहब। है? आप रोजाना अखबारों रोजाना अंदर से दुखी हो आज रोज यार कौन आदमी नहीं दुखी हो? नहीं सर, अगर आप आहत है इससे तो आप पार्टी के फोरम पे क्यों नहीं बात करते? आप नेता किसी को नहीं बात करते हैं? मैं अपनी तरफ से कभी बात नहीं कर सकता हूं। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो पार्टी के हित के खिलाफ। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पार्टी पर दाग लगे। इसलिए मैं अपने को पूरी तरह से निर्दोष मानता हूं, और इसके बावजूद मुझे सफाई देना पड़े ये मैंने जीवन में कभी नहीं किया न कभी कर सकता। चाहते क्या है आप? आपको लगता है ये नेताजी अगर अगर लोग समझते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो उसको ठीक करें, और नहीं समझते कि अन्याय नहीं हुआ तो मत ठीक करें, हमें क्या है? मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई कभी लालच नहीं रहा। मैं कभी मंत्री नहीं बनना चाहा। मैं मंत्री बनना चाहता तो न्यूक्लियर डील के वक्त दिल्ली में मंत्री बनता। मैंने नेताजी साहब मना कर दिया कि मैं कभी मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो जब मुझे कुछ नहीं लेना देना है तो मुझे क्या करना है? मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगे इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? जो हालात है सर, इस हालात को कोई उम्मीद है आपको? देखिए।